अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी चिकन बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। तो रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये थाई के पीसीज लिए हैं, इसमें कुछ विंग्स भी हैं, तो थाई मैंने 4 से 5 लिए हैं। उसके अलावा इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। आप स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर चिकन क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने विनीगर ऐड किया है इसमें, 2 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 2 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे। इसे मैरिनेट करेंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसे हम मैरिनेट करके रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है गार्लिक पाउडर, अच्छी तरह से करेंगे इसे मिक्स और इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में। 2 घंटे के बाद हम इसकी करेंगे कोटिंग। तो यहाँ पे मैंने लिए ब्रेड क्रम्स, 1 अंडा बीट किया और ये प्लेन फ्लावर है। सबसे पहले हम फ्लावर में कोटिंग करेंगे, फिर अंडे में, और इसी तरह हम ब्रेड क्रम्स में अपने तमाम फिले की हम इसी तरह कोटिंग करेंगे। कर कर के एक एक मैंने आपके सामने की, इसी तरह मैं बाकी फिले की भी कोटिंग कर दूँगी। तो ये हम मैदा, अंडा, देन ब्रेड क्रम्स। तो इसी तरह हमने सारी जो अपने फीले थे, ये मैंने थाई लिए हैं, ब्रेस्ट नहीं है, थाई में बर्गर ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये सारी कोटिंग होगी, हमारा ऑयल हो गया। अब यहाँ पे हम सॉस बना रहे हैं अपनी। इसके लिए मैंने लिए 1 कप मायोनीस, इसमें जाएगा नेशनल का चिली गार्लिक, नेशनल का ही यूज़ करना है, 3 to 4 टेबल स्पून, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला है। इससे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। हमारे बर्गर का सॉस हो गया तैयार। इसके बाद अब हमारा ऑयल हो गया गरम, तो इसमें हम अपने जो फिले हैं उसे फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें फ्राई करने हैं। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन होंगे देन हम इसको टर्न करेंगे, साथ ही हमारे फ्राइज बन रहे हैं। तो जैसे ही कलर लाइट्स, अब बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे बनाना है, ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। जैसे हमारे फिले फ्राई हो रहे हैं, साथ में हमारी चिप्स भी फ्राई हो रही है। 15 से 20 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे करेंगे फ्राई, गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, इसे हम निकाल लेंगे। बहुत आसान रेसिपी और बहुत मज़े के बर्गर बनेंगे, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसी तरह हम अपने जो बाकी 3-4 फिले वो भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे अपने बर्गर की असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमने सॉस बनाया वो हम लगाएंगे, इसके बाद हम इसमें रखेंगे सैलेड लीफ, और जो हमने अपना फिले फ्राई किया वो, और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस, और अगर आप कैबेज रखना चाहते हैं तो आप कैबेज भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें फिले और ऊपर चीज़ स्लाइस वो हम ऐड करेंगे। देन सिंपल से इजी से बर्गर हैं और टेस्ट में बहुत मज़े के हैं। तो ये हम चीज़ स्लाइस कुछ में रख दूँगी, कुछ में नहीं। तो ये हमारे बर्गर हैं तैयार। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।